कामयाब लोगों और बाकियों में अंतर ताकत का नहीं, ज्ञान का भी नहीं, बल्कि इच्छा की कमी का होता है। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे फंड एलोकेशन के बारे में। कुछ हमारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, कुछ ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जो इंटेलिसिस के फंड एलोकेशन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड कि सितंबर में जितना फंड एलोकेशन था, चाहे वो रामबाण हो, ब्रह्मास्त्र हो या महाबाहुबली में हो, कुछ चेंजेस हैं तो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। इसके अलावा ऑन एन एवरेज मैं आपको बताऊंगा कि एक कमोडिटी में काम करने के लिए मार्जिन मनी कितने का रिक्वायरमेंट होता है। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं उनको वो भी जानना होता है कि सर एनजी में कितना मार्जिन मनी लगेगा, कुछ कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, या फिर गोल्ड में मार्जिन मनी एक लॉट में कितने का रिक्वायरमेंट होता है, तो इस वीडियो से आपको वो भी पता चल जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सो लेट मी ओपन माई स्क्रीन टू यू। आई एम श्योर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा रामबाण के फंड एलोकेशन के बारे में, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा ब्रह्मास्त्र के फंड एलोकेशन के बारे में, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा महाबाहुबली के फंड एलोकेशन के बारे में। सो क्रूड ऑयल सितंबर में और अक्टूबर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए फंड एलोकेशन में। नंबर ऑफ लॉट्स जो हमने डिसाइड किया अक्टूबर के लिए वो है 4-4, और मार्जिन मनी ऑन एन एवरेज अगेन आप अपने ब्रोकर से चेक कर सकते हैं, बट मार्जिन मनी जो रिक्वायरमेंट है क्रूड का एक लॉट के लिए वो है 2,51,000 रुपीज़। देन एनजी अगेन सेम 4 लॉट की एंट्री लेगा अपनी परफॉर्मेंस शीट में इंटेलिसिस, मार्जिन मनी में कम हुआ है, मार्जिन मनी कम हुआ है 45,000 रुपीज़, 1 लॉट का रिक्वायरमेंट है मार्जिन मनी का। देन गोल्ड 1 लॉट की एंट्री लेगा इंटेलिसिस, सिल्वर 1 लॉट की, कॉपर की 1 लॉट की और जिंक की 1 लॉट की। जिंक के मार्जिन मनी का बात करूं तो 1,15,000 रुपये, कॉपर 1,80,000 रुपीज़, सिल्वर 2,12,000 रुपीज़। सो ये था फंड एलोकेशन हमारा रामबाण का, मतलब इन शॉर्ट क्रूड 4 लॉट, एनजी 4 लॉट, गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड जिंक 1-1 लॉट की एंट्री इंटेलिसिस अपनी परफॉर्मेंस शीट में अक्टूबर में अपने फंड एलोकेशन में लेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं, उसके बाद एक नया प्लान लॉन्च हुआ ब्रह्मास्त्र। सो अब मैं बात करता हूं ब्रह्मास्त्र के फंड एलोकेशन के बारे में। सो ब्रह्मास्त्र का फंड एलोकेशन ये रहा आपके सामने। क्रूड ऑयल एनजी 6-6 लॉट की एंट्री हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में लेंगे, गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड जिंक 4-4 लॉट की एंट्री लेंगे, देन निफ्टी बैंक निफ्टी में 2-2 लॉट की एंट्री लेंगे, और इक्विटी का कभी भी कोई कॉल निकलता है ब्रह्मास्त्र का तो हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 1 लॉट की एंट्री लेंगे। सो अगेन मार्जिन मनी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, क्रूड ऑयल के लिए 2,51,000 रुपीज़, एनजी के 1 लॉट के लिए 45,000 रुपीज़, गोल्ड के 1 लॉट के लिए 3,47,000 रुपीज़, सिल्वर के 1 लॉट के लिए 2,12,000 रुपीज़, कॉपर के 1 लॉट के लिए 1,80,000 रुपीज़, और देन जिंक के 1 लॉट की एंट्री के लिए 1,15,000 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है। एंड बैंक निफ्टी निफ्टी का कभी भी कॉल निकलता है तो निफ्टी का ऑन एन एवरेज 1,10,000 रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है, और बैंक निफ्टी के इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ 90,000 रुपीज़ का एक लॉट में वर्क करने के लिए रिक्वायरमेंट है। सो ब्रह्मास्त्र क्रूड ऑयल एंड एनजी 6 लॉट, गोल्ड सिल्वर कॉपर जिंक 4-4 लॉट, देन निफ्टी बैंक निफ्टी 2-2 लॉट, और इक्विटी का कभी कोई कॉल निकलता है तो 1 लॉट की एंट्री लेंगे। इसके बाद अब मैं आपसे बात करता हूँ एक नया हमने लॉन्च किया था प्लान जिसका नाम है महाबाहुबली, उसका भी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। पहले मैंने आपसे बात करी रामबाण की, उसके बाद मैंने आपसे बात करी ब्रह्मास्त्र की, अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ महाबाहुबली। तो महाबाहुबली में भी अक्टूबर में कुछ भी चेंजेस नहीं है फंड एलोकेशन में। क्रूड ऑयल एनजी के जब भी कोई कॉल निकलते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 10 लॉट की एंट्री लेंगे, देन गोल्ड सिल्वर में जब भी कोई महाबाहुबली कॉल निकलता है हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 8 लॉट की एंट्री लेंगे, देन कॉपर जिंक में कोई भी कॉल निकलता है महाबाहुबली हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 6-6 लॉट की एंट्री लेंगे, देन निफ्टी बैंक निफ्टी जब भी कोई कॉल निकलता है महाबाहुबली का हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 4 लॉट की एंट्री लेंगे, और ऑप्शन के कभी कोई कॉल निकलते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस शीट में 4 लॉट की एंट्री लेंगे। सो यहाँ पर मैंने आपसे फंड एलोकेशन आई गेस पूरा डिस्कस कर लिया, चाहे वो रामबाण हो, ब्रह्मास्त्र हो या महाबाहुबली हो। एंड मुझे बताकर बहुत खुशी हो रही है कि लास्ट मंथ महाबाहुबली, ब्रह्मास्त्र और रामबाण सबके लिए बहुत अच्छा था। मतलब महाबाहुबली में ऑलमोस्ट सितंबर में अगर मैं बात करूँ तो 12 कॉल जनरेट हुए थे, ब्रह्मास्त्र में अगर मैं एक डिटेल मैंने जो कॉल ट्रैकर में देखा ऑलमोस्ट 8 कॉल जनरेट हुए थे आप लोगों के लिए सितंबर में। उसका डिटेल देखना है, करना क्या है, कॉल ट्रैकर में क्लिक करना है और डिटेल आपको देखना है। और ब्रह्मास्त्र महाबाहुबली के लिए सितंबर मंथ सच में बहुत अच्छा था। सो यही प्रे करता हूँ कि आगे आने वाला मंथ ब्रह्मास्त्र महाबाहुबली रामबाण, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो हमसे MBR तीनों प्लान लेते हैं, महाबाहुबली ब्रह्मास्त्र और रामबाण तीनों प्लान लेते हैं और वेट करते रहते हैं,
कुछ ऐसे हमारे प्लेयर्स हैं जो मंथली प्लान ले लेते हैं, सिंगल कॉल लेते हैं। तो आप सिंगल कॉल लेना चाहते हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, महाबाहुबली हो या रामबाण हो, आप वेबसाइट से क्लिक करके पे कर सकते हैं, ले सकते हैं। एंट्री से एग्जिट कराते तक की जिम्मेदारी इंटेलिसिस की, मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटेलिसिस ने आपकी ले रखी है। उसके अलावा आपको चार्ट्स देखना है। रामबाण प्लान अगर आपने लिया तो लेवल्स भी आपको मिलते हैं, लेवल्स के साथ आपको प्लॉटेड चार्ट भी मिलते हैं। आप चार्ट में पहले जो हम बोलते थे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मैजिकल फिगर, आपको खुद को प्लेस करना है। यहाँ पर इंटेलिसिस ने आप लोगों की ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट उस वेबसाइट में चार्ट्स में डाल दिया है, उसका भी लुफ्त उठा सकते हैं रामबाण प्लान के साथ। सो ऐसे ही ट्रस्ट करते रहिए, ऐसे ही अमित जी को इंस्पायर करिए, ऐसे ही टीम को इंस्पायर करिए कि बहुत सारे जो चेंजेस कर रहा है इंटेलिसिस आप लोगों को बेस्ट देने के लिए, उससे भी बेस्ट हम देने की कोशिश करें। सो थैंक यू सो मच। आगे आने वाला मंथ जो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ हो चुका है, वो हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance offers or provide any assurance of return to investors and traders.